जयपुरिया अस्पताल के ड्राइवर यहां पर डॉक्टर बनता हुआ अस्पताल में नजर आया है। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद हड़कंप मच गया। आरयूएचएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने अब इस बाबत रिपोर्ट मांगी है। अस्पताल अधीक्षक ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद कहा कि कल ही मुझे इस वायरल वीडियो के बारे में पता चला है। ठेके पर कार्यरत ड्राइवर को हटा दिया गया है। जांच कमेटी गठित की गई है और साथ ही जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात भी कही गई है। ड्राइवर के इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल हुआ था। अस्पताल अधीक्षक के ड्राइवर का ये वीडियो सामने आया था, जिसमें ड्राइवर खुद ही डॉक्टर बनता हुआ इंजेक्शन देता हुआ मरीज को सामने आया था। लाल घेरे में जो आपको दिख रहा है, ये अस्पताल अधीक्षक का ड्राइवर है। और अब इस बाबत बड़ा एक्शन हुआ। ये जब खबर न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाई, खबर का असर ये कि आरएचएस मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल ने खुद इस बाबत रिपोर्ट मांगी है, तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है और साफ तौर पर कहा है कि ठेके पर कार्यरत ड्राइवर को हमने हटा दिया है। साथ ही जांच कमेटी भी गठित की गई है। जिम्मेदारों पर कार्रवाई रिपोर्ट के सामने आने के बाद की जाएगी। अस्पताल में तो जो भी जिसका जो रोल है, डॉक्टर्स हैं तो डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, नर्सिंग स्टाफ अपना काम करते हैं। अभी वीडियो के बारे में मेरे को भी नहीं पता था, कल ही पता चला है। तो अगर वैसे तो काम ही नर्सिंग स्टाफ का, तो नर्सिंग स्टाफ ही करता है और हमारे पास एडिक्वेट नर्सिंग स्टाफ है। कैजुअल्टी में कहीं ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कोई गलत तरीके से कोई काम होगा, क्योंकि काम तो जिसका जो, आप जैसे वार्ड बॉय का काम वार्ड बॉय करेगा, पेशेंट को शिफ्ट करना ही करना, तो ऐसा नहीं है। और मेरे को तो कल ही पता चला है, तो तभी फिर हमने उसके बाद फिर उसको ड्राइवर को अभी हटा दिया है। और उसकी एक इंक्वायरी कमेटी के लिए, मैं अभी थिएटर में था सुबह से, तो अभी टाइम का नहीं है, अभी इंक्वायरी कमेटी के लिए मैंने रखा है कि जो भी अगर दोषी होगा, अगर वो ड्राइवर ऐसे उसने किया है तो गलत ही है। जयपुरिया अस्पताल के अधीक्षक के ड्राइवर के द्वारा इंजेक्शन लगाने का वीडियो वायरल होने के बाद अब अस्पताल प्रशासन इस मामले में कार्रवाई की बात कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि उस ड्राइवर को इंजेक्शन लगाते वक्त किसी ने रोका क्यों नहीं? क्या इस पूरे मामले में अधीक्षक की जिम्मेदारी नहीं बनती है? क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? न्यूज 18 राजस्थान ये बड़े सवाल खड़े करता है, क्योंकि यहाँ पर जयपुरी अस्पताल में मरीज जो है वो इलाज के लिए आते हैं और इलाज के नाम पर मिलता क्या है? यहाँ पर ड्राइवर जो है वो मरीजों को इंजेक्शन लगाता हुआ पाया गया। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। अगली खबर भी जयपुर से ही है, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज भी जारी है। यही वजह है कि मरीजों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। एसएमएस अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली है। तस्वीर आप देखिए, ये ओपीडी के बाहर की तस्वीरें हैं। कैमरा जैसे ओपीडी के अंदर जाएगा, इतनी ही बड़ी लाइन आपको ओपीडी के अंदर भी नजर आएगी। दरअसल एसएमएस अस्पताल, जो कि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, यहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स कई दिनों से हड़ताल पर हैं और ऐसे में इसका असर पूरी तरह से स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। खासतौर पर मरीज 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, अपने नंबर का, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। कई बुजुर्ग तो ऐसे हैं कि लाइन में खड़े खड़े बैठने के लिए मजबूर हो गए। बजे पर्ची कटाने में लगे हैं, तब जाके अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं। यहाँ से पता नहीं कितना टाइम और लगेंगे। क्या तकलीफ है आपको? सीन में दर्द हो रहा है, हार्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हार्ट के डॉक्टर को दिखाने के लिए आए हैं। प्रतापनगर से आई मैं। प्रतापनगर से? अच्छा। मेरे क्या दर्द हो रहा है यहाँ पे, सिर्फ साथ में आ रहा है, फिर दिखाने आई डॉक्टर। कितनी देर से लाइन में खड़े? मैं 9 बजे आई यहाँ। 2 साल के पहले सिकंदरा साइड से। कितनी देर से खड़े हो आप यहाँ पे? हम सुबह 9 बजे का खड़े हैं। 2 घंटा हो गई। 2 घंटा होगी, 2 घंटे हो गए। अच्छा, परेशान हो रहा है और बैठे हैं। कहाँ से आए आप? बालाजी घाट, बाटा महेंद्र बालाजी। अरे मेरे हार्ट की दिक्कत है। अच्छा। और घुटने में दर्द है। घुटने में दर्द है। अरे 3 घंटा हो गया मेरे पास तो। 3 घंटे हो गए। क्या तकलीफ है? किस, क्या? छल्ला लग गया। छल्ला है। उदयपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लेपर्ड को पिंजरे से भागने का मामला सामने आया है। लखावली से लाई गई मादा लेपर्ड पिंजरे से भाग निकली। पिंजरे के लोहे के सरिये का गैप बढ़ाकर लेपर्ड बाहर निकल गई। बायोलॉजिकल पार्क में सर्च ऑपरेशन लिहाजा जारी है। वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। खबर ये भी कि जो पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं उन्हें रोक दिया गया है, चूंकि कोई अनहोनी उनके साथ ना हो जाए। एक लेपर्ड जिसको पिंजरे में कैद किया गया था, उदयपुर के गांव से पिंजरे में कैद किया गया था, जहां पर पिछले 1 महीने से दहशत आदमखोर लेपर्ड की बनी हुई है। इसी सिलसिले में वन विभाग ने यह बड़ी सफलता हासिल की थी। लेकिन हुआ क्या, कुछ ही घंटे बाद जब बायोलॉजिकल पार्क इस पिंजरे में कैद लेपर्ड को लाया गया, तो ये लेपर्ड पिंजरे से बाहर
बाहर निकल गई, भाग निकली। ऐसे में वन विभाग के प्रशासन के अधिकारियों पर कई सवाल, कर्मचारियों पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन फिलहाल पूरे इलाके में चलाया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द लेपर्ड को पकड़ा जाए, लेकिन इन सबके बीच में जो टूरिस्ट वहां पर आते हैं उन्हें रोक दिया गया है। तो वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए, इस वक्त पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है वन विभाग में। वजह है, पिंजरे से लेपर्ड फरार हो गई है। लखावली से ये मादा लेपर्ड लाई गई थी पिंजरे में कैद करके, लेकिन कुछ ही देर बाद यहां पर लापरवाही सामने आई वन विभाग के अधिकारियों की। लेपर्ड पिंजरे से बाहर निकलने में कामयाब रही, इसे ढूंढने के लिए अब सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर चलाया जा रहा है। वन विभाग की कई टीम बनाई गई है अधिकारियों की, जो सर्च ऑपरेशन चला रही है। कोशिश यही कि जल्द से जल्द पिंजरे में एक बार फिर लापर को कैद किया जाए, लेकिन इन सबके बीच में जो वन्य जीव वहां पर घूमते हैं, टूरिस्ट जिन्हें देखने आते हैं, उन वन्य जीवों को भी अंदर रखा जा रहा है, साथ ही टूरिस्ट को भी रोका जा रहा है। उनके पहुंचने पर अभी रोक लगा दी गई है। प्राथमिकता यही कि जल्द से जल्द लापर को ढूंढ निकाला जाए। आपको बता दें कि उदयपुर के आसपास के गांव में जबरदस्त तरीके से एक महीने से आदमखोर लेपर्ड ने हड़कंप मचाया हुआ था, दहशत बनाई हुई थी, जिसको लेकर वन विभाग ने एक्शन लिया था। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। भिवाड़ी में मोबाइल शॉप के ताले टूटने से बच गए हैं। दिल्ली से सिक्योरिटी एजेंसी सीसीटीवी के जरिए नजर रख रही थी। सेंट्रल मार्केट के सुभाष बाजार में देर रात चार बदमाश घुसे थे। बदमाशों को देखकर माइक से आवाज आई चिल्लाने की। आवाज सुनते ही मौके से 9-2-11 हो गए बदमाश। प्राइवेट ऑनलाइन सिक्योरिटी एजेंसी को 3,000 रुपए व्यापारी देते हैं, हर महीने 3,000 रुपए व्यापारी देते हैं, और ये सजगता प्राइवेट एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी की है कि वहां पर माइक पर देखे ये चार आपको बदमाश दिख रहे हैं, शटर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मोबाइल की ये शॉप है, लेकिन जैसे ही आवाज आती है वहां पर सीसीटीवी से ये भाग खड़े होते हैं। सुनिए जरा। खबर चित्तौड़गढ़ के रावतभाटा से है, जहां पर ग्राम पंचायत बाड़ोलिया के वार्ड पंच पर आईटीआई के छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश के आरोप लगे हैं। हमले में एक छात्र गंभीर रूप से घायल है, ये देखिए तस्वीर भी सामने आ गई है। बहुत तेजी से एक ट्रैक्टर आगे बढ़ता हुआ, यहां 10 छात्र करीब खड़े हुए थे किनारे पर, जिनको आगे कुचलते हुए बढ़ जाता है और अपना नियंत्रण खोते हुए ट्रैक्टर भी पलट जाता है। इसी ट्रैक्टर पर वार्ड पंच भी मौजूद है, हालांकि इसे तो चोटें नहीं आई, लेकिन एक छात्र घायल हुआ है, गंभीर इसकी स्थिति बनी हुई है। फिलहाल अब वार्ड पंच को डिटेन करने के साथ पूछताछ की जा रही है। दरअसल खबर यह है कि वार्ड पंच के खिलाफ अतिक्रमण को लेकर शिकायत इन छात्रों की तरफ से की गई थी, और ऐसे में बदला लेने के लिए छात्रों को कुचलने की कोशिश वार्ड पंच ने की। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ट्रांसफार्मर की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। कैमरे में दर्दनाक मौत का वीडियो भी कैद हुआ है। शिव ग्रेनाइट फैक्ट्री का ये वीडियो है, सोमवार का बताया जा रहा है। खतौली निवासी 27 साल के महेंद्र गुर्जर की मौत हुई है। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। खबर यह कि महेंद्र गुर्जर काफी दिनों से डिप्रेशन में था। घटना से पहले महेंद्र के पीछे डंडा लेकर एक युवक भी दौड़ा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जयपुर के चाकसू में हाईवे पर 6 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ। अचानक ब्रेक लगाने से ट्रक बेकाबू हो गया, डिवाइडर पर चढ़कर डंपर से टक्कर हो गई। तस्वीर आपके सामने, जहां पर देखिए आगे का जो ट्रक का हिस्सा है, कई ट्रकों का हिस्सा क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है। दरअसल ये भयंकर एक्सीडेंट हुआ है हाईवे पर, और बड़ी बात यह है कि 6 गाड़ियां आपस में ही टकरा गई, जिसमें डंपर चालक के घायल होने की जानकारी मिल रही है। हुआ यह कि अचानक ट्रक ने ब्रेक लगाया, जिसकी वजह से बेकाबू हो गया, डिवाइडर पर चढ़ा और उसके बाद डंपर से जाकर टकरा गया। ऐसे में पीछे से आ रही एक के बाद एक गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई, आपस में टकरा गई। वैन भी आपको नजर आ रही है, 2 ट्रक भी नजर आ रहे हैं। आगे का हिस्सा खासतौर पर चकनाचूर हो गया है।
कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को भारत विरोधी बयान देना महंगा पड़ रहा है। आपको बता दें कि बिट्टा ने भी खुलकर इसका विरोध किया है। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन बिट्टा ने कहा है कि भारत को तोड़ने वाली किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ट्रूडो पर गंभीर आरोप लगाते हुए बिट्टा ने कहा कि वो कनाडा को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हिंदुस्तान का जिस तरह से अपमान किया जा रहा है इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। कनाडा में जो ट्रूडो ने बोला वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है वो वारदात करा रही है, ये ट्रूडो वो व्यक्ति है जो कनाडा को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहता है। पाकिस्तान में भी यही था, बेगुनाहों का कत्लेआम करो और पाकिस्तान में चले, पंजाब के लोग चले गए। आज वोट बैंक की खातर कनाडा अपने मुल्क को खराब कर रहा है और हमारे देश को तोड़ने की बात कर रहा है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कनाडा हो, अमेरिका हो, यूके हो या ऑस्ट्रेलिया हो, क्या उनके देश का कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर आके उस कंट्री को तोड़ने की बात हमारे देश में करे? हमारा देश कभी इस चीज को शेल्टर नहीं देगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। अजमेर के किशनगढ़ से बड़ी खबर आ रही है। टेक्सटाइल मालिकों ने ढोल नगाड़ों के साथ प्रदर्शन किया है। विद्युत विभाग को जगाने के लिए ये ढोल नगाड़े के साथ प्रदर्शन किया गया। कल से खोड़ा गणेश रिको एरिया में विद्युत आपूर्ति बंद पड़ी है। रिको एरिया में स्थित फैक्ट्रियों में लिहाजा कामकाज बंद हो गया है। मजदूर भी बिजली के इंतजार में काम पर बैठे हुए हैं, तलाश कर रहे हैं काम की। कृष्णापुर स्थित पावर हाउस के बाहर धरना देकर ये विरोध दर्ज कराया जा रहा है। अनोखा ये प्रदर्शन विद्युत विभाग को जगाने के लिए किया जा रहा है। रामगढ़ बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह के खिलाफ महापंचायत बुलाई गई है। महापंचायत में कई थानों की पुलिस को तैनात किया गया है। जय आहूजा के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर आज फैसला होगा। सर्व समाज के लोग भी चुनाव लड़ने पर फैसला लेंगे। टोडली आश्रम के ब्रह्म मुनि वर्तमान सरपंच भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी को टिकट यहाँ पर मिला और उसके बाद ये महापंचायत। रूस के एक अजान से तस्वीर आपको दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय रूस दौरे पर पहुंचे हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा है। कजान की तस्वीरें हैं। 16वें ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ब्रिक्स देशों के नेता इसमें शामिल हो रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिरकत यहां पर मौजूदगी तस्वीर आपके सामने है जहां पर देखिए प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। दोपहर 3:30 बजे प्रदाश जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात भी होगी। पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी है। यूक्रेन रूस युद्ध को लेकर भी चर्चा हो सकती है। चीन के राष्ट्रपति के साथ भी बताया जा रहा है कि द्विपक्षीय बैठक शी जिनपिंग के साथ संभव है। रूस से लाइव तस्वीरें, खजान की तस्वीरें देख रहे हैं आप जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही पहुंचे रेड कार्पेट उनके लिए बिछाया गया है, उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है और आज उनकी द्विपक्षीय बातचीत रूस के राष्ट्रपति पुतिन से भी होनी है। ये बातचीत इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है आखिरकार कैसे इसे रोका जाए, क्योंकि भारत की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। रूस के साथ जो संबंध भारत के रहे हैं वो काफ़ी मजबूत रहे हैं, दशकों से ये मजबूत और होते गए। लिहाजा दुनिया ये मानती है कि अगर रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना है तो उसमें भारत अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। पिछले दिनों ही आपने देखा था रूस के राष्ट्रपति पुतिन की तरफ से साफ तौर पर कहा गया था कि समय समय पर प्रधानमंत्री जिस तरीके से मोदी कंसर्न दिखाते रहे हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और ऐसे में द्विपक्षीय आज बातचीत जो पुतिन के साथ होगी उसको लेकर सभी की निगाह, दुनिया की निगाह टिकी हुई है। खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। कोटा से खबर ले रहे हैं जहां पर डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 4 नए मरीज सामने आए, जबकि 2 दिन पहले मौत का शिकार हुई 18 साल की लड़की की जांच रिपोर्ट भी डेंगू पॉजिटिव ही आई है। युवती का इलाज करने वाले सीनियर डॉक्टर्स का कहना है कि युवती की हालत काफी गंभीर थी, इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। कोटा में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 284 के पार पहुंच चुका है। कोचिंग स्टूडेंट्स को डेंगू से बचाव के लिए कोचिंग इलाके के हॉस्टल्स में लगातार लार्वा एक्टिविटीज भी की जा रही हैं। दिव्या नाम की पेशेंट थी जो पिछले 10 दिन से उसको बुखार की शिकायत थी और कई बार वो इलाज करवा रहे थे। हमारे पास बहुत ही गंभीर अवस्था में 16 तारीख को भर्ती हुई और 18 तारीख को उसकी मॉर्निंग में डेथ हो गई। उसकी जो हमने जांचें भेजी उसमें एलाइजा डेंगू पॉजिटिव आया। प्रथम दृष्टि कारण ये है कि वो जो हमारे पास आई तो मरीज की काफ़ी गंभीर अवस्था में थी।
मल्टी ऑर्गन फेल होने थी, उसके लगभग शरीर के सभी अंग में डेंगू का असर था, लीवर, किडनी, ब्रेन, फेफड़े, हार्ट पर। तो पेशेंट शोक में थी और काफ़ी क्रिटिकल था, उसको आईसीयू में भर्ती किया गया जहाँ उसकी डेथ हो गई। की राजस्थान सीईटी परीक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए थे। 28 जिला मुख्यालयों के 5,886 केंद्रों पर सीईटी परीक्षा कराई जा रही है, जो कि 24 अक्टूबर तक चलेगी। दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 3 बजे से शुरू होगी, शाम 6 बजे तक रहेगी। इस बार परीक्षा में ड्रेस को लेकर पाबंदी हटा दी गई है, एक पाबंदी हटाई गई है। छात्र अब फुल बाजू की शर्ट और टी शर्ट पहनकर आ सकते हैं। वहीं उन्हें पैरों में सिर्फ चप्पल ही पहनने की अनुमति है। जूते पहनकर आने वालों को परीक्षा हॉल में एंट्री नहीं मिलेगी। आप 4 जिलों की तस्वीर देख पा रहे हैं। रेनवाल स्थित कृषि मंडी के गोदाम में मिलावटी सरसों का मामला सामने आया है। सूचना पर कार्यवाहक कृषि मंडी सचिव कृतिका गौड़ मौके पर पहुंची, मामले की जानकारी लेकर गोदाम को सीज किया गया। फूड सेफ्टी विभाग की जांच के बाद ही सरसों के मिलावटी होने या नहीं होने का खुलासा हो सकेगा। जानकारी के मुताबिक कृषि मंडी परिसर में बने गोदाम में भारी मात्रा में मिलावटी सरसों के होने की जानकारी मिली थी। इस पर बीजेपी मंडल अध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। उन्होंने इसकी जानकारी एसडीएम को दी। गोदाम के मालिक और रिकॉर्ड की जानकारी ली गई है। सरसों मिलावटी है या फिर नहीं, इस बारे में फूड सेफ्टी विभाग की जाँच के बाद खुलासा हो पाएगा। एक्चुअल में आज इवनिंग के अंदर मेरे को कुछ शिकायतकर्ताओं द्वारा और एसडीएम साहिबा द्वारा ये खबर मिली थी कि कुछ नकली सरसों जो है हमारे मंडी परिसर के अंदर रखी गई है अवैध रूप से। तो उसके ऊपर अभी ये त्वरित कार्यवाही हम लोग कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जिस गोदाम के अंदर वो सरसों रखी गई थी उसको सीज कर रहे हैं, उसकी आवक और जावक को एक बार हम होल्ड कर रहे हैं। और उसके बाद बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने उपचुनाव के बीच अपने ही नेताओं पर तीखे सवाल उठा दिए। गोपाल शर्मा ने कांग्रेस नेता रफी खान, प्रताप सिंह खाचरियावास और अमीन कागजी का नाम लेकर इशारों में पार्टी के कुछ नेताओं पर मिली भगत का आरोप लगाया। गोपाल शर्मा के बयान के बाद सियासत फुल हाई है। क्या बीजेपी विधायकों में है तालमेल की कमी? क्या कामकाज को लेकर हो रहे हैं मतभेद? विधायक गोपाल शर्मा ने किस पर साधा निशाना? बीजेपी प्रदेश दफ्तर में मुख्यमंत्री के अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा ने इशारों में ही सही बीजेपी के नेताओं को घेर लिया। गोपाल शर्मा ने इशारों में कांग्रेस पार्टी के विधायकों से मिली भगत का आरोप लगाया। मीट की दुकानें देखेंगे, उनसे फैलने वाली महामारी देखेंगे और मीट की दुकानें वालों से सौदेबाजी करेंगे। अगर हम शराब की अवैध दुकानें देखेंगे और रफीक खान से मिलने का काम करेंगे, रफीक खान, प्रताप सिंह खाचरियावास और ये जो कागजी है इसके इशारे पर काम करेंगे तो हम भारतीय जनता पार्टी के सपने को कभी साकार नहीं कर सकते। विधायक गोपाल शर्मा का हमला यहीं पर नहीं रुका। उन्होंने रफीक खान पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनकी वजह से एक शौर्य चक्र विजेता फौजी को 32 दिन तक जेल में रहना पड़ा। ऐसे में कोई अगर उनसे हाथ मिलाता है, उनकी कृपा में बने रहना चाहता है तो आप सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी तो रह सकती है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत नहीं रह सकते। घनश्याम जी भाई साहब, एक शौर्य चक्र विजेता फौजी को 32 दिन तक जेल में रहना पड़ा, एक आदमी के कारण, रफीक खान के कारण, और उस रफीक खान के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है। लेकिन अगर कार्रवाई नहीं होती है तो तकलीफ होती है। प्रताप सिंह खाचरियावास के परिवार के ऊपर कई एफआईआर दर्ज है। विधायक गोपाल शर्मा के आरोपों का जवाब दिया रफीक खान ने। उन्होंने कहा ये उनका दर्द है क्योंकि सरकार उनकी सुन नहीं रही। और सिविल लाइन का वोटर को तो वो याद रखेगी, मैंने देखा है 3-4 बार मेरा नाम लिया, तो मैं धन्यवाद भी दूंगा उनको कि वो वोटर का ख्याल रख रहे हैं। लेकिन जिस तरह की बात की तो वो मुझे पूरी बात सुनने पे ऐसा लगा कि एलिगेशन कांग्रेस पे कम और बीजेपी पे ज्यादा है और बीजेपी के नेताओं पे ज्यादा है।
और फिर कह रहे हैं कार्रवाई नहीं हो रही किसी चीज पे, तो सरकार भी उनकी है, कार्रवाई कराने वाले कौन है। तो ये सब बातें एक विधायक को ये पता लगना चाहिए कि मैं सरकार का विधायक हूँ, हमारी सरकार है, और मैं इस तरह से जवाब दूंगा तो जनता क्या एक्सपेक्ट करेगी। इस बात का मैसेज उन्होंने दे दिया कि वो जनता के लिए काम नहीं करा सकते, सरकार उनकी सुन ली। मुझे पता लगे कौन सा है, मेरे को पता लगते ही मैं आपको बताऊंगा जरूर से कि किस बात का वो हवाला दे रहे हैं। और इसी के साथ मारू राजस्थान में एक छोटा सा ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं। खबरों का